हेलो क्लास फोर्थ वेलकम टू द क्लास मैसेल वैश्वी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और सोशल साइंस में चैप्टर नंबर फाइव हम कर रहे थे चैप्टर नंबर फाइव में लेक्चर वन हम फिनिश कर चुके हैं अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर टू बिहार बिहार द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना बिहार की कैपिटल है पटना ऑक्यूपेशन द मैन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन जो बिहार के लोगों का है वो है फार्मिंग और रियरिंग यानी कि भेड़ बकड़ों को चराना यानी कि जानवरों को चराना वगैरह द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर जो मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं इस स्टेट में वो है पेडी व्हीट मेज सुगर कैन एंड ज्यूट लीचीज ऑफ मुजफ्फ़रपुर आर फेमस ऑल ओवर इंडिया मुजफ्फरपुर जो कि बिहार का एक जिला है उसकी लीची बहुत फेमस है पूरी भारत में बिहार इज फेमस फॉर तुषार सिल्क बिहार तुषार सिल्क के लिए बहुत फेमस है द स्टेट ऑल्सो हैज अंबर ऑफ कॉटन स्पाइनिंग मिल्स जूट मिल्स एंड शुगर मिल्स इस्टेट में बहुत सारी है कॉटन स्पाइनिंग मिल्स मिल्स और जूट मिल्स और शुगर मिल्स भी हैं कहीं तो हुआ करती थी आज वहाँ की ज़्यादातर मिल्स बंद पड़ी हुई हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेस मैनी टूरिस्ट प्लेसेस आर लोकेटेड इन बिहार बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं बिहार में बोधगया बोधगया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट बोधगया बुद्ध एक इम्पोर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्ट का गौतम बुद्ध गॉट गौत एनलाइटमेंट एट बोध गया यहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था बोधगया में वो कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुई थी ज्ञान मिला था बोधगया में नलंदा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग नलंदा एक बड़ा पुराना ओल्डेस्ट सेंटर है लर्निंग का द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर राजगीर एंड पटना और जो और प्लेसेस होते हैं जहाँ टूरिस्ट आने में इंटरेस्टेड होते हैं वो है एक राजगीर और पटना पटना इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह पटना गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस है जो कि सिखों के दसवें गुरु थे कल्चर क्या है धोती एंड पाजामा एंड कुर्ता आर वॉर्न बाय मैंस धोती पाजामा या कहें कुर्ता धोती ये लोग पहनते हैं या वहां के जो पुरुष हैं वो वाइल्ड वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज और जबकि वहाँ औरतें वहां की साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड ऑन द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा ये रिवर गंगा के प्लेन्स पर लोकेटेड है कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की ऑक्युपेशन मैन ऑक्युपेशन ऑफ पीपल हेयर आर फार्मिंग एंड फिशिंग यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग और फिशिंग क्रॉप्स राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर यहाँ पर चावल मेन क्रॉप होते हैं यानी कि जो धान होती है वो मेन क्रॉप है जो भी यहाँ उगाई जाती है द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर अदर क्रॉप जो होती हैं वो होती हैं जूट वीट पोटैटो एंड ऑयल सीड्स इंडस्ट्रीज द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो होती है वेस्ट बंगाल की वो है जूट टेक्सटाइल ऑयल रिफाइनिंग ऑटोमोबाइल्स शिप बिल्डिंग एंड आयरन एंड स्टील सिल्क इंडस्ट्री ऑफ मुर्शीदाबाद स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर दुर्गापुर का स्टील प्लांट मुर्शीदाबाद की सिल्क इंडस्ट्री कोल माइंस एंड रानी एट रानीगंज कोल कोयल माइंस जो कि रानीगंज में है एंड अ लोकोमोटिव फैक्ट्री विच मेक्स इलेक्ट्रिक डीजल रेलवे इंजन एट चित्रांजन, लोकोमोटिव फैक्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन बनाती है रेलवे इसके चित्रंजन में आर द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि बंगाल में हमारी पाई जाती हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस फोर्ट विलियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल आर सम ऑफ द मोन्यूमेंट ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वेस्ट बंगाल ठीक है ये वो मोन्यूमेंट है जहां पर टूरिस्ट इंटरेस्टेड इंट्रेस्ट होते हैं द हावरा ब्रिज दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बेलूरम एंड द शांति निकेतन आर द इम्पोर्टेंट प्लेस इन वेस्ट बंगाल ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वेस्ट बंगल के ठीक है कल्चर राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल यहाँ पर राइस एंड फिश लोग ज्यादा खाते हैं और दे लव टू ईट स्वीट्स उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है वो बहुत प्यार करते हैं मीठे को बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड सैंडविस आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया बेंगाली स्वीट जैसे कि रसगुल्ला और सैंडिस ये पूरे इंडिया में फेमस है सैंडविश क्या होता है हमें नहीं मालूम आज तक रसगुल्ला तो हमने खाया है ड्रेसेस जनरली मैन इन वेस्ट बंगाल बियर धोती कुर्ता वाइल्ड वुमेन बियर साड़ी ठीक है आसाम पढ़ते हैं अब हम आसाम आसाम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बड़ा स्टेट है आसाम द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर जो कैपिटल है आसाम की वो दिसपुर है और करंटली जो वहां के सीएम है वहां के मुख्यमंत्री है वो वो है हेमंत विश्व शर्मा ठीक है ऑक्यूपेशन रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम मेकिंग इट फर्टाइल ऑक्युपेशन क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है और आसाम में बहती हुई जाती है जिससे कि आसाम की जो जमीन है वो बहुत फर्टाइल है एग्रीकल्चर इज द मैन ऑक्युपेशन ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर मैन ऑक्युपेशन है इस स्टेट का पीपल ग्रो राइस पीपल राइस उगाते हैं वीट जूट इस शुगर कैन एंड पटेटो आसाम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टी गार्डन आसाम जाना जाता है टी गार्डन की धरती से ठीक है वहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन्स हैं एज देयर आर 850 टी प्लांटेशन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50 परसेंट ऑफ द इंडिया टी प्रोडक्शन ठीक है देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन आसाम लाइक ऑयल रिफाइनरीज एट डिगवोई बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं आसाम में जैसे कि एक ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई में पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर है नाम रूप में केमिकल फैक्ट्री है गुहावटी में सम अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड जैसे कि कुछ और इंडस्ट्रीज हैं वो है सुगर मिल्स जूट मिल्स एंड सिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज समझ गए ना आप लोग टूरिस्ट प्लेसेस द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन आसाम इंक्लूड द कामाख्या टेम्पल जो वहाँ के लोग जो टूरिस्ट हैं वो जो कि कुछ प्लेसेस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं वो है एक कामाख्या टेम्पल ठीक है माँ कामा, कामाख्या के मंदिर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मानास फॉर टाइगर एक टाइगर्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मानास करके ठीक है काजीरंगा एक जो कि रीनो के लिए फैक्ट्री है वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है रहनों के लिए ठीक है कल्चर द पीपल ऑफ असम इट राइस फिश चपाटी एंड वेजिटेबल असम के लोग क्या खाते हैं राइस खाते हैं फिश खाते हैं चपाटी खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं मैन जनरली वियर धोती एंड सेट लोग वहाँ पे धोती और सेट पहनते हैं यानी कि पुरुष समाज जो है और जबकि औरतें वहाँ पर मेखला चद्दर पहनती हैं ठीक है, है? व्यू वहाँ का पॉपुलर डांस है उस स्टेट का अब हम पढ़ लेते हैं दिल्ली के बारे में दिल्ली शेयर इज इट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश ऑन वन साइड एंड विद हरियाणा ऑन द अदर अदर थ्री साइड दिल्ली एक साइड में उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर करती है और हरियाणा हरियाणा की बाउंड्रीज़ को शेयर करती है तीन साइड में यानी कि दिल्ली अगर समझिए आप ऐसा है तो इसकी ये बाउंड्री हो गई है उत्तर प्रदेश बाकी ये तीनों हरियाणा से वो शेयर करती है द रिवर यमुना फ्लो थ्रू दिल्ली यमुना नदी दिल्ली में बहती है और यहीं से बहती हुई निकलती है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है दिल्ली इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ इंडिया दिल्ली एक हिस्टोरिकल सिटी है इंडिया की ज मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसमें टूरिस्ट इंटरेस्ट ले सकते हैं जहाँ वो जाते हैं देखने उन्हें एक है जामा मस्जिद दूसरा रेड फोर्ट तीसरा कुतुब मीनार पुराना किला ये कुछ फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट हाउस राजघाट इंडिया गेट आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट हाउस राजघाट और इंडिया गेट भी लोकेटेड है दिल्ली में तो यह था हमारा चैप्टर चैप्टर हो गया हमारा फिनिश अगले उसमें हम करेंगे एक्सरसाइजेस उम्मीद तो है आपको समझ में आया होगा आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच